রবিবার বেঙ্গালুরুতে তৃতীয় রোড শো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপরই কর্ণাটকের শিবমোগায় এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় মোদী বলেন, 13ই মে কংগ্রেসের রিপোর্ট কার্ড রাজ্যের মানুষ তৈরি করে রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বেঙ্গালুরুতে 4 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে 26 কিলোমিটারের রোড শো করেছেন। রোড শো ঘিরে সাধারণ মানুষ ও বিজেপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সকালে নিউ তিপ্পেসান্দ্রা জাংশনের ক্যাম্পে গৌড়া স্ট্যাচু থেকে এই রোড শো শুরু হয়। শেষ হয় এমজি রোডের ট্রিনিটি সার্কেলে। প্রসঙ্গত, আজই কর্ণাটকে নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন। আগামী 10 মে ভোট গ্রহণ কর্ণাটকে, আগামী 13 মে ফলাফল প্রকাশ হবে। কর্ণাটকের শিবমোগায় একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আজকে নিট পরীক্ষা ছিল বলে আমরা আমাদের রোড শো কিছুটা আগেই শুরু করেছিলাম। আমি আজ বেঙ্গালুরু জনগণের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। রবিবারের দিন বেঙ্গালুরু জনগণ আমাকে এত স্নেহ ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আমি কর্ণাটকবাসীকে প্রণাম জানাই। আমি তার জন্য সারা জীবন কর্ণাটকবাসীর ঋণী থাকব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন, আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ করেছেন তা আমি কর্ণাটকের বিকাশের মাধ্যমে সুদ সমেত রিটার্ন করব। আপকা কর্ণাটকা কে এক এক নাগরিক কা মুঝ পর ইতনা প্যার হ্যায়, ইতনা প্যার হ্যায় कि भाषा हमारे प्रेम में रुकावट नहीं बन रही है। ये आपका प्यार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। सहोदर सहोदरियरे, यहां आने से पहले मैं बेंगलुरु में फिर एक बार आज सुबह जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था और यहां आना था तो जरा जल्दी ही निकल गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी 11 बजे के पहले कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं कर सकती, बड़े शहर में तो कभी नहीं कर सकती है। और आज सुबह सुबह बेंगलुरु में बारिश हो रही थी, वरुण देवता आशीर्वाद देने के लिए पधार गए थे और मैं सुबह सुबह जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला और ईश्वर रूपी जनता जनार्दन ने पुष्प वर्षा करके अपना आशीर्वाद बरसाया। साथियों, वैसे तो आज लंबा रोड शो होने वाला था लेकिन बाद में पता चला कि आज नीट की एग्जाम है। मैंने पार्टी से कहा, हमारी एग्जाम तो 10 तारीख को है, इन बच्चों की एग्जाम आज है और इसलिए हमें पहले बच्चों की एग्जाम का ख्याल करना चाहिए और इसलिए हमने सुबह सुबह रोड शो कर दिया और जल्दी जल्दी पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी संडे के दिन आज बेंगलुरु ने जो ताकत दिखाई है, जो विश्वास दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, वो मेरे हृदय को छूने वाला था। दोस्तों, मैं जीवन भर कर्नाटका का ऋणी रहूंगा। जिस तरह आप सभी पूरे कर्नाटका की पूरी जनता लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना स्नेह दिखा रही है, लेकिन मैं आज शिवमोगा की इस धरती से, रायता बंधु येदुरप्पा जी की धरती से,
पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। एक ही संगे कांग्रेस का आक्रमण करे मोदी बोलें, कांग्रेस मिथ्या छड़ाच्छे। कांग्रेस नेतारा जा बोलछेन देशेर वास्तव परिस्थिति तार चे एकेबारे आलादा। एखन कांग्रेसेर समस्त मिथ्या सम्पूर्ण रूपे उन्मोचित होयेछे एबं बीजेपी पूर्ण संख्यागरिष्ठता निये सरकार गठन करबे। कांग्रेस ने यहां कर्नाटका में वादा किया है कि अगले 5 ईयर में प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां देगी, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे, ये कांग्रेस ने गारंटी दी है। देखिए झूठ कैसा बोलते हैं, कर्नाटका का युवान समझता है ये झूठ पकड़ जाएगा। यानी 5 साल में 10 लाख नौकरी, यानी हर साल 2 लाख जॉब, ये कांग्रेस का झूठ देखिए, हर साल 2 लाख जॉब। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस कैसे लोगों को धोखा दे रही है। कर्नाटका में बीजेपी सरकार सिर्फ 3.5 साल से है, येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने मिलकर के 3.5 साल उनको मौका मिला। यह ऐसा समय है जब पूरी दुनिया महामारी के संकट और उसके प्रभावों से जूझ रही है, इसके बावजूद कर्नाटका की बीजेपी सरकार में हर साल कर्नाटका में 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बढ़ी है, 13 लाख से ज्यादा हर वर्ष। अब आपको समझ आया कहां उनकी बातें और कहां हमारा काम। हमने कर्नाटका युवाओं के लिए हर साल 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरई न्यूज़।